नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी हां, बात करें तो दिल्ली से कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दिल्ली में वो अपने कई सारे गानों की शूटिंग भी करने वाले हैं, जिसको लेकर और भी चर्चाएं जो है बाजार गर्म होगा। और जैसे जैसे तस्वीरें शूटिंग की आएगी मैं आप सभी को बताते रहूंगा। इस कड़ी में खेसारी लाल यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद और जो भोजपुरी कलाकार रह चुके हैं, यानी कि मनोज तिवारी मृदुल जी से खेसारी लाल यादव ने मुलाकात किया है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता है कि मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, खेसारी यादव किसी पार्टी के नहीं है या और पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं जो है एक राजनीतिक तौर पर होती है, लेकिन उन सबको परे रखते हुए खेसारी लाल यादव, उनके मैनेजर विवेक सिंह, उनके राइटर अखिलेश कश्यप, संजय यादव, कृष्णा बेदर्दी, तमाम लोग जो खेसारी यादव के टीम के सदस्य हैं वो मनोज तिवारी से उनकी दिल्ली आवास पर मुलाकात किए हैं और जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दर्शक जो हैं इस तस्वीरों पर दिल खोलकर जो है वो प्यार दे रहे हैं। और शायद ये तस्वीरें भोजपुरी इंडस्ट्री में आनी चाहिए, पवन सिंह के साथ भी आनी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई मिलजुल कर चलेगा तो मुझे लगता है पर्सनली कि उस चीज़ें और भी इम्प्रूव होगी, लोगों में और भी उसकी अच्छी पहचान बनेगी, पकड़ बनेगी और उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के साथ ये तस्वीर ली है और ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, तो आपने तस्वीरें देख लिया कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ उनके पूरे टीम के सदस्य मनोज तिवारी के साथ जो है वो लगे हुए हैं। और मैंने भी मनोज तिवारी से कई दफा मुलाकात किया है, तो वो अच्छे पर्सनालिटी हैं और खास करके मेरे जिले के हैं तो और भी ज्यादा गौरवान्वित हो जाता है। मैं भी उनके साथ कई सारे प्रोग्राम को अटेंड कर चुका हूं। आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक अवार्ड शो था, वहां पर भी हमने मनोज तिवारी जी के साथ शेयर किया था मंच। इसके अलावा जो है एक और तस्वीर देख सकते हैं कि उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, तो ये अच्छी बात है कि हर भोजपुरी कलाकार जो है एक बड़े कलाकार को कहने का अप्रिशिएट करता है, उनको इज्जत देता है। और वैसी तस्वीरें अगर खेसारी लाल यादव की होती है तो अपने आप में एक अलग आइडेंटिफिकेशन बनाती है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।